मूवी की शुरुआत में हम एमा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। दरअसल कल से स्कूल की छुट्टी हो रही थी, इसलिए एमा अपने घर जाने का प्लान बनाती है और फिर काउंटर पर उसे एक बैग मिलता है जिसे लेकर वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ माफिया लोगों को देखते हैं जो कि एक अनजान जगह पर गाड़ी में ड्रग्स भर रहे थे, और वहीं पर हम उन माफियों के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम था बोसमैन। दरअसल आज उनके ड्रग्स की डिलीवरी किसी दूसरे जगह पर करनी थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी के साथ चल रहते हैं। और उधर एमा भी अकेले ही उसी रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी, और फिर कुछ दूर जाने पर वो अपने फादर को कॉल करके बताती है कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बोसमैन के साथ उसका ड्राइवर था जिसका नाम पेट था, जो कि अभी नया नया उनके साथ ज्वाइन किया था, जो कि पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, इसलिए वह काफी घबराया हुआ था। वहीं आगे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी रास्ते पर ड्यूटी कर रहा था, जो उनके गाड़ी को देखकर रुकता है और फिर उनके पास जाकर पेट से उसका लाइसेंस मांगता है। अब लाइसेंस दिखाते वक्त पेट बहुत ज्यादा डरा हुआ था जिससे उसका हाथ बहुत तेजी से कांप रहा था। यह देख पुलिस वाले को उन पर कुछ शक होता है और फिर उनसे पूछता है कि अंदर क्या है, तो बोसमैन उससे बताता है कि हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, गाड़ी में कुछ और नहीं बल्कि अनाज है। तभी वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है, दरअसल उस कार में भी बोसमैन के ही आदमी थे, और फिर उस पुलिस वाले को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं ताकि वो बोसमैन की गाड़ी को जाने दे, बट वो पुलिस वाला उन पर ध्यान नहीं देता जिससे बोसमैन के आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देख पुलिस वाला उन्हें रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बोसमैन उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पर पुलिस वाला उनके पीछे फंस चुका था, तो वो डरते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तब तक पीछे से ग्रेस पर जोर से वार करता है जिससे वो पुलिस वाला भयंकर रूप से वहीं घायल हो जाता है, और फिर उसे बोसमैन की गाड़ी में डाल दिया जाता है। और फिर गाड़ी लेकर बोसमैन और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उधर उसी रास्ते से होते हुए एमा भी जा रही थी कि तभी उसकी गाड़ी गर्म होकर बीच रास्ते में बंद जाती है। उसकी गाड़ी जिस जगह बंद हुई थी वह एरिया एकदम सुनसान रेगिस्तान था, और फिर वह किसी को कॉल करके मदद बुलाना चाहती है, बट वहाँ पर फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। और फिर वो अपने कार से एक बोतल लेती है और फिर आसपास पानी की तलाश में निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर बोसमैन के कब्जे में था जो उसे जान से मारना चाहता है। अब पुलिस ऑफिसर उनके सामने न मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे गन से शूट कर देते हैं। उधर पानी की तलाश में एमा भी वहीं चली आती है और उसे गन से शूट करते हुए देख लेती है। यह देखकर वो बहुत डर जाती है जिससे उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाता है, और फिर वे सभी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद बोसमैन उसे पकड़ने के लिए बोलता है। ये देख एमा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर वह पकड़ी जाती है। इसके बाद उसे पकड़कर बोसमैन के पास लाया जाता है, और फिर सब लोग मिलकर उसके बारे में बात करने लगते हैं कि इसके साथ क्या करना है, कि तभी उस पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है और फिर वो किसी तरह से उनसे नजर बचाते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। इधर बॉबी एमा को एक हथकड़ी से बांध देता है और फिर उसके साथ बुरा सलूक करने लगता है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ तेजी से भागने लगता है जिसे पकड़ने के लिए सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। ये देख बॉब भी उसके पीछे दौड़ता है और इसी में उसका चाकू वहीं नीचे गिर जाता है। अब उसका पीछा करते हुए उसे मारने के लिए बोसमैन अपनी बड़ी वाली बंदूक लेता है और फिर एक टीला पर चढ़कर एक ही वार में उसे शूट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एमा किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेती है और फिर वहीं गिरे बॉब के चाकू को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। इधर बोसमैन पुलिस वाले को ठिकाने लगाने के बाद बॉब से कहता है, अब जाकर उस लड़की का भी काम तमाम कर दो, क्योंकि उसने हमें पुलिस वाले को मारते हुए देख लिया है। उधर एमा भागते भागते अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और गाड़ी से अपने फोन और कुछ जरूरी सामान को लेकर वहाँ से भागने लगती है, और जब बॉब वहाँ आता है तो खाली हथकड़ी देखकर समझ जाता है कि लड़की यहाँ से भाग चुकी है, और फिर वो इसके बारे में बोसमैन से बताता है। तो बोसमैन उन सभी से कहता है कि हमें किसी भी हाल में उस लड़की को पकड़ना होगा, नहीं तो हमारा सारा पुल खुल जाएगा। इसके बाद सभी लोग एक रेडियो लेकर टीम बनाकर उसे खोजने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमा के फादर एमा के घर न पहुंचने पर बहुत परेशान होते हैं और उसे कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, बट एमा जिस जगह फंसी थी वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने पर बोसमैन के साथियों को एमा के पैर के निशान मिलता है जिसे फॉलो करते हुए वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं एमा गर्म रेतीले रेगिस्तान में बहुत प्यासी थी, मगर फिर भी भाग रही थी जहां उसे मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही थी, और तभी उसे महसूस होता है कि वह अपने पैरों के निशान को अपने पीछे छोड़ रही है, और फिर वो कुछ सोचने लगती है। उधर बेन उन सबसे बताता है कि वो लड़की इस रेगिस्तान में प्यासी होगी, इसलिए हमें सबसे पहले पानी को खोजना चाहिए, अगर हमें पानी मिल गया तो अपने आप ही मिल जाएगी। उसके बाद सभी लोग राजी होते हैं और फिर उसके पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो देखते हैं कि पैरों के निशान गायब हैं। तो पेट उनसे बताता है कि एमा को पता चल गया है कि हम उसके पैरों के निशान को देखते हुए ही
आगे आ रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से उसके पैरों के निशान तीन दिशाओं में गया हुआ है। इसके बाद वो दरिंदे दो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में उसे खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर ईमा भागते हुए किसी तरह से पानी के कुएं तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का पानी काफी गंदा होता है। उसे लगता है कि इसे पीने के बाद वह जल्दी ही बीमार हो जाएगी, इसलिए वह थोड़ा सा पानी लेकर उसे कीटाणु रहित बनाने की कोशिश करती है। मगर इसी बीच बॉब और बेन दोनों ईमा को देख लेते हैं, तो बेन इसके बारे में अपने साथियों को बताने के लिए कहता है, लेकिन बॉब उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी शिकार है और मैं ही इसे मारूंगा। इसके बाद वो दूर से ही ईमा को निशाने पर ले लेता है और उसके पास आकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच ईमा अपने पास रखे चाकू से उस पर वार कर देती है और कहती है कि मेरे साथ गलत करना इतना आसान नहीं है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तब बॉब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो बताती है कि मैं स्पेशल कमांडो जॉन की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे बचपन से ही कमांडो की ट्रेनिंग दे रखी है। उनका मानना है कि हर लड़की को खुद का बचाव करना उसे स्वयं आना चाहिए। उधर बेन को जब ईमा के पास बॉब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था तो वो जल्दी से इस बात को अपने सारे साथियों को बता देता है। वहीं बॉब के रेडियो से ईमा भी उनकी सारी बातों को सुन लेती है। इसके बाद वह जल्दी से बॉब की रेडियो और बंदूक को लेकर वहाँ से भागने लगती है। इधर बेन की बातों को सुनकर उसके सारे साथी तेजी से दौड़ते हुए कुएं के पास आने लगते हैं। वही ईमा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वहाँ से भागने लगती है और वही बेन भी उसके पीछे आ रहा था। उधर बोसमैन अपने सभी साथियों के साथ कुएं के पास आ जाता है, जो बॉब की मौत से काफी गुस्सा होता है। अब इधर दूसरी तरफ बेन ईमा के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से उसके पैरों के निशान वही खत्म हो जाते हैं। यह देखने के लिए वह जैसे ऊपर देखता है कि तभी एक पत्थर उसके सर पर गिर जाता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। यह पत्थर ईमा ने ऊपर से फेंका था। कुछ समय बाद बुशमैन और उसके सभी साथी बेन की लाश तक पहुंच जाते हैं। उधर ईमा भागते हुए एक चोटी पर पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ पुराने फार्म हाउस दिखाई देते हैं। मगर तभी बुशमैन उसे देख लेता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह से हर बार बच जाती है। वही पेट जो काफी ज्यादा थक चुका था वो ईमा को भागते हुए देख लेता है और सबको बता देता है। तभी ईमा वहीं के पास के एक जगह पर छिप जाती है, तो बॉसमैन सबसे कहता है कि तुम सब आगे जाओ, मैं यहीं से उस पर नजर रखूंगा। यह सुनकर उसके सभी साथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इधर ईमा किसी तरह से उस फार्म हाउस के अंदर आ जाती है, जहां उसे अपने काम की बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। उधर पेट भी धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी ईमा उसे पकड़ लेती है। तब वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है। यह सुनकर ईमा उसे छोड़ देती है, लेकिन वो बाहर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ईमा इस घर के अंदर है। यह सुनते ही ईमा एक चाकू फेंक कर उस पर वार करती है, जिससे उसका वही काम तमाम हो जाता है। अब ईमा पूरी तरह से सतर्क हो गई थी, क्योंकि कभी भी कोई उस पर अटैक कर सकता था। इधर ग्रे एक गन लेकर उस फार्म हाउस में जाने लगता है और फिर पीछे से ईमा पर अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों में जोर से फाइट होने लगती है और इसी लड़ाई में ईमा ग्रे को मार डालती है और फिर वह उसे मार कर जैसे ही बाहर आती है कि तभी बोसमैन उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। तब ईमा उसे कहती है कि मुझे भी मौका दो। यह सुनकर बोसमैन अपनी शॉट गन को नीचे रख देता है और कहता है, चलो मैंने तुम्हें मौका दिया। अब दोनों के पास एक ही जैसे बंदूकें थी और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। इसी बीच ईमा की गोली बोसमैन को मार देती है और साथ ही उसकी गोली ईमा को बस घायल कर पाती है। ईमा एक बहुत ही बहादुर लड़की थी और फिर वह हिम्मत करते हुए उठती है और फिर किसी तरह से घायल ही अपने डैड के पास पहुंच जाती है और फिर उनसे कहती है कि मुझे ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया डैड, नहीं तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी हॉन्टिंग ईमा यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।